डिल्लू जानता इस लड़की को, तू शिव तू जानता, यहीं पड़ी थी ये। आओ, पुराने पापी हैं, यहां से बता रही है लड़की। कब पड़ी थी तू यहां पर? 2018 में यहां पर पड़ी थी, तब ये नहीं आए होंगे, ये बाद के आए हो। एक दो साल तक तार दुखी सुखी रहा करन, ये भाई यहां करता, तुम भी जानते हो इसको। अच्छा, दोनों को इकट्ठे लेते थे, तुम्हारा भी बना काम? अच्छा, तेरा नहीं बना, अच्छा बहुत बढ़िया, तुम्हारा भी बन जाएगा, शुभकामनाएं तुम्हें भी। शिव देख लो तुझे जानता है। बहुत बढ़िया। फिर सफीदो चली गई थी, सफीदो में पड़ी थी। सफीदो ब्रांच खुल सकती है यहाँ से? नहीं अंकल, ओहो हमारे अंकल ऐसे, किसी ब्रांच का नाम ले दो उससे नाट जाएगा। जिस दिन मैं अलीगढ़ कहूंगा ना कि अलीगढ़ न खोलो, ये लड़का जो है बैठा देखो अलीगढ़ में, मेरे जैसा पतला सा एक लड़का जीरो फिगर का बैठा। मेरा मन जो कई बार तो करता जो अपने पास यहाँ 11वीं क्लास में लक्ष्य लड़का पढ़ता वो भी बिल्कुल ऐसे का ऐसा डिटोई है ना वैसा ही। हाँ मैं उसको मिलवाऊँ इसके साथ। जिस दिन मैं कहूँगा ना कि अलीगढ़ में ये लड़का लगेगा नौकरी, और मैं कहूँगा अलीगढ़ को खोलो, फिर ये खोलेगा ही नहीं, बोले अलीगढ़ ना खुलता, महान आदमी है। चलो, कितने दिन सफीदो पढ़ी तुम? यहाँ 6 महीने रही थी, ठीक जनवरी में चले गए थे, फिर जनवरी में वहीं। कितने दिन पढ़ी वहाँ? अच्छा, तब से लगातार ही पढ़ते रहे, ये लगातार का मामला है। फीस भरते रहे तो फीस तो 1 महीने में पूरी, और टोटल फीस तूने जितनी दी है वो 1 महीने में 70,000 रुपये तेरे को मिलेंगे। क्या 1 महीने में पूरे नहीं तेरे? हो गई ना, वही तो मैं कह रहा हूँ कि 1 महीने में पूरे पैसे 70,000 रुपये सैलरी है इसकी। DSSB में TGT लग गई। अब तो इनको ये बता कि जो ये जैसे थकते हैं पढ़ते पढ़ते, तू भी थकी थी? थकते तो सभी है, जब पेपर पास नहीं होता तब गुस्सा आता। माइक दो, शिव को तो मिठाई खिलाई दो तब तक। बोलो ऐसे ऐसे बोलो, गुड मॉर्निंग सभी को। मैंने 2018 में तैयारी स्टार्ट की थी, आई मैं यहाँ पर, पहले तो मेरा सिलेक्शन हुआ था एज ए गेस्ट टीचर दिल्ली में ही, लेकिन तीन महीने की ड्यूटी के बाद वहाँ से निकाल दिया गया, रिलीविंग मिल गई। तो सोचा एज गेस्ट टीचर में तो कुछ नहीं रखा है, ये तो ऐसे ही रिलीविंग देते रहेंगे हर बार, हर 6 महीने में, हर साल में। तो डिसीजन लिया कि ICS कोचिंग सेंटर से तैयारी करते हैं। यहाँ से मेरे देवर की नौकरी लगी थी SSB में, तो उसी ने बोला कि भाभी की तैयारी करवाओ। पहले उसने बोला कि सफ़ेदों करवा दो, लेकिन सफ़ेदों में सेंटर नहीं खुला हुआ था उस टाइम। तो फिर बोला कि चलो सोनीपत में ही करवाते हैं, वहीं पे फीस भर दो। तो उसी के कहने पर हमने यहाँ पे तैयारी की, दोनों ने आ गए यहाँ पर। बस फिर क्या था, तैयारी का दौर स्टार्ट हो गया। उसके बाद सफ़ेदों में भी एकेडमी खुल गई, तो सर से बात की हमने, सर ने फिर वहाँ पे कॉल किया, और फिर सर के बोलने के बाद हम वहाँ पर चले गए। वहाँ हमें दोबारा फीस नहीं देनी पड़ी। तो वहाँ लगातार तैयारी करते रहे। कोरोना के बाद, कोरोना काल में फिर ऐप आई, तो हमने ऐप भी ले लिया साथ में ही, ऐप से पढ़ते रहे। मतलब लगातार यही चलता रहा कि पढ़ते रहे। बहुत सारे पेपर दिए, फेल हुए, पास हुए, एक आध पेपर बीच में क्लियर हुआ, फाइनल रह गया किसी में, वो क्या बोलते हैं उसको, पुलिस में फिजिकल रह गया उसमें। मतलब यही चलता रहा कि पेपर देते रहे, बहुत पेपर दिए। जो पेपर पास नहीं होता तो रोती भी बहुत थी कि क्या होगा, पेपर तो पास होना नहीं। फिर सर की क्लास देखना स्टार्ट कर देते, सर की फिर एक आध मोटिवेशनल बातें सुनती, फिर नई तैयारी तो करनी है, हर हाल में करनी है। तो ऐसे ही तैयारी रखी। फिर मैंने अक्टूबर 21 में पेपर दिया था, ये हमारा DSSB का 21 में पेपर हुआ। उसके बाद ये पेपर देने के बाद मुझे पेपर देते ही एहसास हो गया था कि हाँ पेपर तो होना है, हर हाल में होना है।
रिजल्ट आया, पेपर पास हो गया, फिर इस चीज की होगी फाइनल होगा या नहीं होगा, क्योंकि मेरे 10-12 नंबर ही ऊपर थे। फाइनल रिजल्ट आया, उसमें भी सिलेक्शन हो गया, तब जाके ये एहसास हुआ कि हाँ नौकरी अब तो पक्का है। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ ना, ये ICS कोचिंग सेंटर की वजह से ही हुआ है। थैंक यू सो मच परिमल सर, बबीता मैम और पूरे ICS स्टाफ को, क्योंकि परिमल सर की वजह से ही मैं मानती हूँ कि हमने ना मैथ की और अपने सब्जेक्ट की एक भी क्लास नहीं छोड़ती थी। चाहे उसके लिए फिर मुझे ऐप पे लेती थी तो ऐप पे चाहे रात को ही लेनी पड़े, लेकिन सर की क्लास लेके ही सोती थी। मैथ को इतना स्ट्रोंग कर लो कि मैथ में एक भी नंबर ना कटे तो सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता है बिल्कुल भी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। ये कई बार लाओ, घड़ी लेके आओ, ताली जोरदार बजाओ, जो ताली बजाएगा उसी की नौकरी लगेगी बस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम भी पढ़ते रहे ना, थोड़ा और पढ़ो तो हो जाएगा, है ना? ठीक। बहुत बढ़िया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, भला कमरे में घड़ी नहीं लगा रखे, सर ही की घड़ी लेके आऊंगे वही लगाऊंगे। बहुत अच्छा किया, आज ईद मना ली तुमने और हमारी भी मना दी। बहुत बढ़िया, गॉड ब्लेस यू। ठीक है, मैं आता हूँ, तुम बैठो थोड़ी देर, है ना, क्लास के बाद मैं आता हूँ। ये बात सबको आई क्या?